मोहम्मद रफीक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने उन्हें राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहम्मद रफीक इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद मोहम्मद रफीक ने बताया कि उनकी प्राथमिकता 5 साल से अधिक समय में पेंडिंग केस को निपटारा करने को होगी। उन्होंने बताया कि वह पहले एमपी और राजस्थान में कार्य कर चुके हैं, जहां काफी समानता थी। हिमाचल पहाड़ी राज्य है, यहां के लोग शांत स्वभाव के हैं, यहां ज्यादा मामले नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में लगभग 78,000 मामले लंबित है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। आज हिमाचल प्रदेश की जस्ट नाउ हियर हिमाचल माय प्रायोरिटीज वुड बी टू डिसाइड द ओल्ड एंड केसेस व्हिच आर ओल्डर देन 5 years बिकॉज़ दिस हैज बीन द टारगेट सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स सो वी विल आइडेंटिफाई केसेस व्हिच आर क्वाइट ओल्ड इन ईच ऑफ द कोर्ट्स एंड रिक्वायर रिक्वेस्ट अवर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड इन द हाई कोर्ट ऑल्सो विल गिव देम प्रायोरिटी especially the old criminal cases and civil cases also there could be some special strategy we have to study what is the total pendency here and in which area the more number of cases are pending so I will have to study then come back to you I told you that we have to study the pattern here what is the nature of cases pending most of the cases are pending the litigation nature of litigation differs from area to area Earlier to that, I was in Orissa. There, slightly different kind of litigation was there. In Madhya Pradesh, we found lot of similarity between Madhya Pradesh and Rajasthan. So most of the time, I remained judge at Rajasthan. So that way, Madhya Pradesh and Rajasthan had lot of similarity. But Himachal being hilly area, it would be having different kind of litigation and the nature of people is also so simple. I hope litigation here is not much. The total pendency, I am told, in High Court. Is about 78,000, which is as compared to other bigger states, is not very high number.